आज गए हैं हम लोग ब्रह्मा द कलेक्शन, इतना काम भी हो गया यहाँ पर। तो पहुंच गए हम, ये है एफ रेसिडेंसीज, ये है द कलेक्शन। अभी 9:00 बजे से भूख लगी तो हम यहाँ पे जाएंगे खाने के लिए। और ये है इनका सेल्स ऑफिस, बाद में हम आएंगे यहाँ पे, पहले इनका पेट भरा देते हैं उसके बाद में आएंगे। बहुत जोर की भूख लगी है इनको। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज साहिल, यू आर वाचिंग आरएचके व्लॉग्स। ये बिल्डिंग के बराबर अपोजिट में ना इधर ये गार्डन है, यहाँ से एंट्री है उसकी, ये पूरा ओपन है लैंड पर। तो अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जिन लोगों का ऊपर फ्लैट है ना उनको बहुत अच्छा व्यू आएगा हमेशा। ये सारे शॉप्स है, नक्टू ने लिया है समोसा, मैंने लिया है वड़ा पाव, और हम आए हैं राहुल वड़े वाला शॉप नंबर 03 के बाजू में। शॉप नंबर 04 है ना ये। You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down, you get through the storm. Even the nights the darkest before the dawn. Live your life, it's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, you in round with Jubilee. It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down, I believe it's true. Every day the sun rises again for you. ओके, तो हो गया है हमारा देख के डन। आप लोगों ने भी हमारे साथ देखा होगा सैंपल फ्लैट यहाँ का, और बस एक वर्ड कहना चाहूंगा कि हमने ऐसा देखा ही नहीं कभी।
ऐसे बोल सकता हूँ। इतना अमेजिंग और इतना प्रॉपरली सब चीजें। आप मुझे ये भी पूछोगे ना कि इसको रेटिंग कितना दूं, मैं खुद में 5 का रेटिंग अभी दे दूंगा आपको, अभी दे दूंगा 5 का रेटिंग। बस शायद 0.5 एक मैं थोड़ा सा कम करूंगा उसके अंदर, वो मैं सोच रहा हूँ कि आपको घर जाके आराम से बताऊंगा। अगर यही बताऊंगा तो फिर क्या ही मतलब, चाय पीते पीते फिर बातें करेंगे आज आराम से, है ना? ठीक है, चलो चलते। चार्जेस है क्या उसके? 200 इसके भी? हाँ तो पास लेंगे तभी अंदर जाएंगे। अच्छा ऐसा है ना, तो बकाडी के इवेंट है वो। यहाँ से बाहर दे दो। गाड़ियाँ देखो तू। फिर? बाप रे। तो हम आ गए हैं घर और आपको दो तीन मजेदार बातें मेरी बतानी है। जो लड़की कैमरे के पीछे दिखी है ना, उसके बारे में दो तीन चीजें मुझे बतानी है। अभी आपने जो महालक्ष्मी लॉन्च का क्लिप देखा ना, ये लड़की मुझे वहां ले गई थी। क्यों ले गई थी? झूला दिखा उसको दूर से, तो बोलते कि चलो मेला लगा है करके, मैं वहां पे ले गया। वहां जाके पता चलता है तो बकाडी का शो है। तो वहां पे जो पार्किंग वाला बंदा था ना, वो हमको पर्ची दे रहा था 200 रुपए की पार्किंग की। हाँ, पूछा कि क्या है, तो उसने बोला कि यहाँ पे शो चल रहा है, तो बकाडी का शो है, पासेस आपको लगेंगे अंदर जाने के लिए। तो इसको क्या लगा पता है, 200 रुपए पार्किंग के पर्ची से अंदर जाएंगे बकाडी का शो देखने के लिए। तो मेरे को बोलते कि 200 रुपए तो है अंदर जाने के लिए। फिर मेरे बोले कि पागल, में अंदर शो चल रहा है वो अलग चीज है, पार्किंग के 200 रुपए पागल ऐसा हो रहा था। और बाद में ना गई नहीं भाई, इसके पहले मेरे को एक बार जबरदस्ती ले गए थे लक्ष्मी लॉज, किसी की शादी के 70 बार के लेके आई है, शादी अटेंड करवा के आई है, जानते भी नहीं आप लोग। दो दिन से तो मुझे लगा कुछ अच्छा होगा वहाँ पे, इसलिए ले गई थी मैं तुम्हें। अब मैं लास्ट टाइम लक्ष्मी लॉज में और 200 रुपए का टिकट बकाडी का, और बाद में गूगल कर दी 2000 रुपए। तुम ऐसे मेरे मजे लोगे, खराब मैं ही सब काट दूंगी। ठीक है चलो, जोक्स अपार्ट, और अभी हम आए हैं घर, तो बाकी चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि वहाँ पे हमने क्या 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 और क्या चीजें देखी, क्या हमारे पॉइंटर्स है, क्या उसके कॉस्टिंग्स है, कॉस्ट शीट भी है हमारे पास, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और सब चीजें हम आपको बताएंगे। हाँ, अभी कुछ फाइल्स हैं हमारे पास में, जिसमें कुछ मास्टर प्लान्स है, कुछ उनका ब्राउचर है, कुछ उनके फ्लोर प्लान्स भी हैं। तो मैं आपको पहले मास्टर प्लान बताता हूँ उनका, और फिर उसकी बेसिस पर मैं आपको जो एक्चुअल फ्लोर प्लान बताता हूँ जो उनके पास में इन्वेंटरीज अवेलेबल है। तो पहले मास्टर प्लान देख लेते हैं, ये इनका मास्टर प्लान है। अब इसमें दो तीन चीज़ें आप देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है ये इनका कमर्शियल वाला है, और ये जो W1, W2, W8, W7 ये इसकी बुकिंग अभी चालू है। ये सेंटर में पूरे एमिनिटीज़ हैं और इसकी बुकिंग अभी तक ओपन नहीं हुई है, बिकॉज इसकी बुकिंग लेट है और उसका पोजीशन भी बहुत ज़्यादा लेट है। तो अभी जो बिल्डिंग उनके पास जो रेडी हो गई है वो W1 ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, और ये W2, W8 का काम अभी चालू है, लेकिन ये काफ़ी टाइम लगेगा इनको बनने के लिए। अगर आप ये W1 देखोगे तो W1 में 2 BHK है। ये जो बिल्डिंग है ना, इसका ये साइड जो है ट्रम्प टावर की तरफ फेसिंग आता है, और ये साइड एमिनिटीज फेसिंग आता है, जो यहाँ पे एफ रेसिडेंसीज है ना इधर साइड में। बट ये दोनों बिल्डिंग आमने सामने रहेंगे, तो एमिनिटीज फेसिंग के ऑलमोस्ट फ्लैट इनके सोल्ड आउट हो गए। W2 वाली जो बिल्डिंग है इसके अंदर 4 BHK ही अवेलेबल है, वहाँ पे भी 2 BHK अवेलेबल नहीं है। W8 में पूरे 2 BHK हैं, लेकिन ये बिल्डिंग 70% सोल्ड आउट है, बाकी और उसमें बाकी है इन्वेंटरी। तो W7 में ओनली 3 BHK बाकी हैं। तो ऐसे इसकी इन्वेंटरी है, तो आपको W1 में अच्छा पड़ेगा जो अगर आप देखते हो तो, और W8 में भी है। W8 में लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये साइड पूरा एफ रेसिडेंसीज, तो इससे पूरा आपका व्यू कवर हो जाएगा यहाँ पे, और इधर आते हो तो यहाँ से सामने बिल्डिंग है तो उससे भी व्यू कवर हो जाता है। बट आपको अमेनिटी स्पेसिंग अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप W8 में 2 BHK देख सकते हो। तो इसके कॉस्टिंग्स में मैं आपको बताता हूँ, इसका कॉस्ट शीट मेरे पास है W1 वाले का, W8 का मेरे पास नहीं है। बट W8 का मैं आपको बताता हूँ, W8 का
ऑल इंक्लूसिव आपको 91 लाख में पड़ेगा यहाँ पे। और W1 में इसका कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया बोला कि मेरे पास है, तो मैं आपको लास्ट में आपको दिखा दूंगा, उसमें देखना कि उसका क्या कॉस्ट है, ठीक है। तो फिर अब मैं आपको W1 का फ्लोर प्लान बताता हूँ। तो W1 का फ्लोर प्लान ऐसा है, तो इसमें यहाँ पे 3 BHK हैं कॉर्नर में, ये सब 2 BHK हैं। तो इनके पास 16 एंड 17 फ्लोर पे कुछ इन्वेंटरीज बाकी है, तो ये 27 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो इसमें ये 2 BHK इनके पास अवेलेबल है 16 एंड 17 फ्लोर पे। का जो 2 BHK का कारपेट है वो है 765 स्क्वायर फीट वाला, और इनकी पहले 3 लेवल की कार पार्किंग है, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग है। तो मतलब आपका अगर 16, 17 फ्लोर भी अगर आप पकड़ते हो तो वो ऑलमोस्ट 20th के ऊपर ही चले जाएगा फ्लोर, ऐसा है। आपको काफी अच्छी फ्लोर राइज मिलेगा यहाँ पे। तो मैंने एक चीज यहाँ पे बोला था कि जो W8 वाली बिल्डिंग है ना, इसके अंदर जो 2 BHK है वो 699 स्क्वायर फीट वाले हैं, तो W1 में थोड़ा सा स्क्वायर फीट ज़्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली टू W8, ठीक है। तो W8 का भी मैं आपको फ्लोर प्लान दिखाता हूँ। W8 में यहाँ पे देखो पूरे 2 BHK है, 3 लिफ्ट दिए हैं यहाँ से, साइड से स्टेयरकेसेस दिए हैं, तो आपको पूरे 2 BHK मिलेंगे 699 स्क्वायर फीट वाले। तो इसका कॉस्ट है 91 लाख रुपीज़, ठीक है। इसमें मैक्सिमम इन्वेंटरीज आपको मिल जाएगी। और W2 में जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे भी 2 BHK हैं, लेकिन 4 BHK ही इनके पास फ़िलहाल अभी अवेलेबल है, बाकी सब सोल्ड आउट है। तो जो ये W7 वाली बिल्डिंग है यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, ये ओनली 3 BHK 3.5 BHK ही है, यहाँ पे 2 BHK आपको नहीं मिलेगा। इसका कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास जाता है आपको। जो इनके 4 BHK है ना, इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 1.94 करोड़ के आसपास जाता है, इतना हैवी कॉस्ट। तो ये इनका लोकेशन मैप है, अगर आप देखते हो तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा एफ रेसिडेंसीज कहाँ पे है, उसके बराबर बाजू में ही यहाँ पे एफ रेसिडेंसीज है, और यहाँ से है ना कोरेगा पार्क कल्याणी नगर सिटी की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी आपको। तो ये इनके एमिनिटीज़ हैं, यहाँ पे देखते हो आपको इन्फिनिटी पूल मिल जाएगा, ये इन्फिनिटी पूल ऊपर है ये नीचे है, तो थोड़ा सा लग्जरी में आता है ये। तो इसकी बिल्डिंग वगैरह काफ़ी अच्छी बनाया है इन्होंने, ये सिट आउट्स हैं, ये बिल्डिंग के सेंटर में ऐसा बिल्डिंग रहेगी आमने सामने चीज़ें, तो स्क्वायर बॉक्स में बनाया है इन्होंने, और ये सामने वहाँ पर रहेगा इन्फिनिटी पूल, ठीक है। नक्तों तो मैंने इनको बता दिया सब चीज़ें। तो एज यूजुअल हम जैसे वीजा ऑरिजोंटिक का भी रिव्यू किए थे प्रोज एंड कॉन्स से, तो मैं सोचो कि इसको भी जल्दी ख़त्म करते हैं वीडियो को, तो 4 प्रोज 4 कॉन्स बोलते हैं और फटक से इन लोगों को समझ में आएगा कि क्या 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 चीज़ें हैं। तो फिर पहले तुम 4 प्रोज बोलो इसके। सबसे पहली चीज़ तो वो सिटी में है, तो उसका प्राइसिंग हमेशा हाई रहेगा, आप रीसेल भी करोगे तो आपको उसको बेनिफिट मिलेगा उसमें। सेकंड थिंग कि उसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो बहुत अच्छी है, उसका एलिवेशन भी अच्छा है, वो मॉडल किचन में बना के देने वाले हैं, वो भी काफ़ी एलिगेंट है, बहुत अच्छी यूनिक सा बना रहे हैं वो लोग। और थर्ड ये है कि बिल्डर काफ़ी रेप्यूटेड है, आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी यूनिक ही मिलेगी वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है कुछ लोकल में नहीं मिलेगा, अच्छा ही प्रीमियम चीज़ें मिलेंगी आपको वहाँ पर। तो 4 पॉइंट ये है कि उसका रीसेल वैल्यू अच्छा रहेगा, अगर आप उसको रेंट आउट करोगे तो वहाँ पे आपको रेंट अच्छा मिलेगा, अगर हायर फ्लोर पे रहते हो तो आपको व्यू भी वहाँ का अच्छा मिलेगा सिटी का। तो ये 4 प्रोज मेरे साइड से थे, मुझे तो अच्छा लगा प्रॉपर्टी, 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगी इस प्रॉपर्टी को। तो मैं आपको उसके कॉन्स भी बता देती हूँ जिसमें मुझे प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो उसका प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा हाई है सिटी में रहने की वजह से। सेकेंड थिंग वो काफ़ी लेट पोजिशन दे रहा है, 28 तक का है उनका पोजिशन देने का। इस वजह से मैं 0.5 जो कम किया था ना, यही रीजन था कम करने, क्योंकि पोजीशन उसका बहुत लेट है। हाँ। तो पोजीशन का डेट 25 बोला है, बट 28 तक भी जा सकता है। हाँ, वो टावर वाइज उसका जाने वाला, लेकिन फिर भी मैक्सिमम कंप्लीट होते हुए 28 हो जाएगा उसका। थर्ड थिंग ये है कि उसका जितना प्राइस है उसके हिसाब से उसका स्क्वायर फीट थोड़ा सा कम है, शॉर्ट है, कॉम्पैक्ट पड़ता है, तो वो मुझे एक लगा कि बाकी बिल्डर थोड़ा सा इस प्राइसिंग में तो काफी बड़ा फ्लैट दे देंगे आपको। और फोर्थ थिंग ये है कि वो लोग वीडियो डोर कॉलिंग नहीं दे रहे, वो ऐसा बोलते हैं कि माइगेट है आज की डेट में तो हम लोग नहीं प्रोवाइड करें, माइगेट से आप अप्रूव करने वाले हो ऐसे भी आएगा नहीं आपके घर पे, तो ऐसा उनका लॉजिक है। सेटिस्फाई आंसर मुझे उनका वो नहीं लगा। बाकी जो क्वालिटी थी ना उनकी विंडो की वो काफ़ी अच्छी थी, जो भी वहाँ पर जाके सैम्पल फ्लैट भी दिखेगा ना वो चीज़ वो मेरी बात से एग्री करेगा कि उसकी जो क्वालिटी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम थी, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा फ्लैट देखे ना अभी तक, तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ। मैं ये बोलूंगी अगर आपके पास 1 CR एक्स्ट्रा है, आपकी सेविंग्स वाला एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो आप जाके वहाँ पे 1 CR का बुक कर लीजिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है कुछ और लेना है ना, तो आप वहाँ पर कहीं पर अच्छी जगह लैंड लीजिए, वहाँ अपना घर बनाइए अगर आपके पास इतना बड़ा अमाउंट है तो। और अगर आपको चाहते हैं कि आपको लैविश लाइफ जीनी है, वैसे लाइफस्टाइल चाहिए, तो आप डेफिनेटली वो जगह परचेस कीजिए, क्योंकि हम लोग ना बजट फ्रेंडली चीज़ें बता रहे हैं,
हम हमारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को ऐसी चीज बताने जो हम खुद भी चाहते हैं देखना। बट हम खुद भी 1 CR तक का फ्लैट नहीं लेंगे। काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी कि नहीं हमें द कलेक्शन का सैंपल फ्लैट देखना है, प्लीज आप वो रिव्यू कीजिए। इसलिए हम लोगों ने रिव्यू किया। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सिवाय प्राइसिंग की और जो मैंने अभी आपको 2-3 पॉइंट बताए, दैट्स इट। हाँ, एक और कॉन में बता दूं, जिसके पास पैसा उसके लिए वो कॉन नहीं लगेगा, ठीक है चलो बेनिफिट मतलब अच्छे मिल रहे तो वो दे भी देंगे। ये एक चीज़ है कि उनका बुकिंग अमाउंट 5 लाख रुपीज़ है और पार्किंग के लिए भी आपको 5 लाख रुपीज़ उनको देने पड़ेंगे। वो कॉस्ट में उन्होंने इंक्लूड किया है, इसलिए उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। तो आई थिंक मुझे यहाँ वर्थ नहीं लगी ये चीज़ थोड़ी सी, और जिसके पास 1 CR है वो थोड़ी सोचेंगे क्या। ठीक है, तो फिर नकटू ने आपको प्रोज एंड कॉन्स तो बता दिए। जैसे मैंने बोला कि मैंने 0.5 इसीलिए कम किया था बिकॉज उसका पोजीशन बहुत लेट है। जो W1 नंबर का टावर है ना, उसी का पोजीशन आपको जल्दी मिल सकता है, जो कि 2025 तक का है। बाकी जितने भी टावर्स है ना, वो सब का पोजीशन काफी लेट है। 2028 तक का भी पोजीशन है। मेरे तरफ से अगर मैं उसको पॉइंट्स दूंगा तो मैं 4.5 दूंगा, बाकी तो आपके ऊपर है। बस रिव्यू करना था हमें, हमने आपको रिव्यू करके दिया। अब इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी विजिट करेंगे, वो है आईवी निया, जो कि वागोली में है। वो शायद हमारा लास्ट व्लॉग हो सकता है फॉर दिस मंथ फॉर प्रॉपर्टीज, बिकॉज गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमें भी बहुत डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है चीजों को लेकर, तो हम भी बार बार भाग नहीं सकते। व्लॉग्स आपके लिए आते रहेंगे, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का हम लोग स्किप करेंगे जस्ट फॉर अप्रैल एंड मई, फिर वापस जून से हम और थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज फिर से कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर अगर ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज हम ऑलमोस्ट एक टारगेट पहुंचने के करीब है, और अगर जिसको भी नीड है इन वीडियोस की तो प्लीज हमारे ब्लॉग्स उन तक फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। ठीक है, तो फिर ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। दिस इज राहिल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू इन अ नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन स्टे सलामत। It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down.